तो शाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के साथ ग्रामीणों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पर्यटन मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, श्रुति चौधरी की इस क्षेत्र का विकास करवा सकती है और वही स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल की सच्ची उत्तराधिकारी है। क्षेत्र की जनता बीजेपी के 10 सालों के ईमानदार शासन को सामने रखते हुए श्रुति चौधरी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाए। तीसरी बार लगातार प्रदेश में बनने वाली बीजेपी सरकार में तो शाम क्षेत्र की अहम भागीदारी होगी, जिसका नेतृत्व श्रुति चौधरी करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के कार्यकाल में खर्ची और पर्ची का बोलबाला था। योग्य युवाओं को दरकिनार कर सिफारिशी लोगों को भर्ती किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्यवाद करते हुए कहा, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद श्रुति चौधरी पर बना हुआ है। सम्मानित जनता जो जन समर्थन हमें दे रखी है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले चुनाव में लोग कमल के निशान वाला बटन दबाने को आतुर है। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों से वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ये युवा स्वच्छता जनसेवा समिति है, इसने निश्चित रूप से देश के युवाओं के सामने एक नया आदर्श उपस्थित किया है। जिस तरह से इस टीम के सब साथियों ने मिलकर के एक बीज जो पवन जी ने डाला था, उस बीज ने आज एक बड़े वटवृक्ष का रूप लिया और पूरी देश के सामने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं भारत का स्वच्छता मंत्री रहने के नाते, जो 5 साल तक मुझे जल शक्ति मंत्री के नाते स्वच्छता मंत्री रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था, मैं दुलेड़ी गांव के इन युवाओं का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। ये स्वच्छता जो है ये अपने घर से शुरू होती है। घर में अगर स्वच्छता नहीं है, मन की, तन की और सफाई की, तो स्वच्छता आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए ये जो बात हम करते हैं कि घर में तो सफाई कर दो, उठा के कूड़ा बाहर फेंक दो, नालियों में कुछ होता रहे, गंदगी फिरती रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो घर को साफ रखते हैं वो ये बेड़ा उठाएं कि घर के बाहर भी वो सफाई करें, तब बात बनेगी। और ये तो शाम जो कस्बा है, इसको इतना सुंदर, इसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं इसलिए मैंने दी कि मेरे घर के जो लोग हैं, मेरा जो परिवार है, उनके जब रिश्तेदारी आए या कोई और आए तो वो कहें कि आके देखो हमारे तुषाम में क्या है।